देखिए, हेयर वी हैव इंडियन ओशन, है ना, हेयर वी हैव नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, हेयर वी हैव पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब यहां अगर विंटर है तो यहाँ क्या होगी, समर होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। हेयर वॉट विल हैपन, हेयर विल बी हायर प्रेशर एज कम्पेयर टू हेयर वी हैव लो प्रेशर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मॉनसून कितना आएगा ये डिपेंड करता है यहाँ के हाई प्रेशर और यहाँ के लो प्रेशर के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड देर इज वन थिंग विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज, अब देखो क्या होता है कि जब यहां गर्मी यहां सर्दी तो एयर ऐसे चलेगी, ठीक है, राइट, एयर जो है वो ऐसे आएगी, और जब विंटर्स इधर आ जाएंगी, समर्स इधर आ जाएंगी, तो ये जो है इस तरीके से करंट जो है वो मूव करेंगे। अब आप देखिए ये सदर्न हेमिस्फीयर का फिनोमेना है, इसीलिए इसको कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन। क्या कहा जाता है? सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है यहाँ पे एल नीनो। क्या नाम है? एल नीनो, दिख रहा है सबको? एल नीनो लिखा हुआ तो दिख रहा होगा ना बुक में सबको, एल नीनो, है ना। देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे ये जो अमेरिका है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, अमेरिका में भी बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है ना कि दिसंबर में यहाँ बहुत ज्यादा, आपने क्रिसमस की वीडियोस देखी होंगी, ये कितनी ज्यादा बर्फबारी होती है अमेरिका के अंदर, है ना। तो ये कहा जाता है 25 दिसंबर में आते आते यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वार्म करंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब ओशियन के अंदर गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, वार्म करंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि करंट भी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठंडा पानी होगा तो ज्यादा ठंडी एयर आएगी, गर्म पानी होगा तो गर्म एयर आएगी। तो जैसे ही वार्म करंट्स बनना शुरू होते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा ठंडा था वो धीरे 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 गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम रखा है क्या, इस ये जो नया वार्म करंट पैदा हुआ इसका नाम इन्होंने रखा है एल नीनो, ठीक है, एल एन आई एन ओ, ठीक है, एल नीनो। अच्छा, अब इनकी क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से इनका ये मतलब है कि एल नीनो एक स्पैनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड, कि एक नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। अब 25 दिसंबर से बनना ये करंट शुरू होते हैं, तो 25 दिसंबर ये लोग किसके खुशी में मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो 25 दिसंबर है और यहीं से ये वार्म करंट्स बनना शुरू हुए और हमारे ऊपर ये जो ठंडक थी ये कम होना शुरू हो गई, ये मानते हैं कि ये क्या है, दिस इज द मर्सी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उनकी ये मर्सी है जिसकी वजह से ये गर्म करंट्स बनना शुरू हुए और यहाँ की ठंडक में थोड़ी कमी हो गई है। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस, ठीक है। तो अब आपका देखो क्या होता है, यहाँ वार्म करंट है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये पैसिफिक ओशन एक ही तो है, तो यहाँ पे भी वार्म करंट आ जाएंगे क्योंकि हमने बीच में से काट दिया ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो अब ये एल नीनो है और ये सदर्न ऑसिलेशन है, तो इस पूरे फिनोमेना को हम पढ़ते हैं ई एन एस ओ, एनसो इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? एनसो इफेक्ट। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, कि एल नीनो मतलब नए करंट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पैदा हुए और यहाँ पे ये ऑसिलेशन होना शुरू हो गया, इस तरीके से ये घूमता है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्लियर हो गई बात? यस मैम, ठीक है, मैं इसको हटा दूं हम? यस मैम, ओके, यस मैम, ओके। अच्छा चलो, एक वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को।
दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। In this module, you will understand the concept of Indian monsoon, explain the factors that determine the typicality of Indian monsoon, and also explain the role of monsoon in Indian economy. Monsoon, Indian monsoon. To the poets, it is magical. It is dramatic. In fact, it really is dramatic. Let us see what a monsoon is. Monsoon is a periodic seasonal wind that comes from sea to land in a particular season and completely reverses back with the change in the atmospheric conditions in the next season. It is a typical yet dominant feature of the Indian climate. The term monsoon is derived from an Arabic word monsik, which means season. In olden days, the sailors found this wind convenient to set in their sails on the direction of the wind. They used to save their fuel and time by doing so. Let us discuss the causes of this seasonal reversal of wind from sea to land and land to sea. The main cause is the differential heating and cooling of land and its surrounding water bodies, that is seas and oceans. During summer, land is hotter and thus low pressure develops over interior parts of the large Indian landmass. Simultaneously, high pressure condition develops over the seas and oceans surrounding India. Thus, a steady flow of moisture-laden wind moves towards India and causes rainfall for almost 3 months. As the pressure system reverses due to apparent shifting of the sun from the Tropic of Cancer to the equator, the wind also reverses back to the same direction from where it comes. There is another interesting fact that the apparent movement of the sun from the Tropic of Cancer in June to the Tropic of Capricorn in December affects the global climate. The pressure belts and the wind systems change globally. The maximum effect can be noticed on the equatorial belt. Here, the northeast and southeast trade winds converge, and thus it is also called as the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So due to the apparent movement of the sun, this ITCZ shifts 5 degrees north during summer and 5 degrees south during winter. The ITCZ is pushed further north till the Ganga basin due to the differential heating and cooling of the Indian landmass and its surrounding water bodies during the monsoon season. We call it as a monsoon trough. The intense low pressure system formed over the Tibetan plateau attracts air from the intense high pressure system that develops over Indian Ocean near Madagascar Island of Africa. This causes a strong pull of moisture-laden air mass from ocean to the landmass of India. While the shifting of the ITCZ, the pressure system reverses, causing the reversal of wind. Around the same time, the movement of upper air circulation or the jet streams also affects the summer and winter monsoons of India. The global climatic events of changing pressure system over oceans have tremendous effect on the arrival, duration, amount, and retreat of monsoon in India. The equatorial belt or the tropical region of the Pacific and Indian Oceans faces the maximum effects. Usually, the situation is like when the southeastern Pacific has low pressure and high temperature. The eastern Indian Ocean has high pressure and low temperature. But the situation reverses roughly in 3 to 8 years. This reversal of temperature and pressure condition across the ocean is called as Southern Oscillation. Due to vast uninterrupted ocean in the Southern Hemisphere, the conditions are felt more than in the Northern Hemisphere. The normal condition brings moderate to good monsoon, whereas the reverse condition brings drought and famine to the Asian region. El Nino and La Nina are the two opposite ends of the Southern Oscillation or SO cycle. El Nino is the warm phase of Southern Oscillation and La Nina is the cold phase of Southern Oscillation. These deviations from normal surface temperatures can have large-scale impacts not only on ocean processes, but also on global weather and climate. This climatic event is also known as ENSO. El means El Nino and SO means Southern Oscillation. During El Nino, the monsoon will be weaker and comes late in India as summer is cooler and the surrounding sea and ocean temperature remain warmer than the usual.
The Peruvian cold current is replaced by a warm current. Therefore, the pull of air from the landmass would be weak. The La Nina is good for monsoon condition as the temperature over the sea remains cooler and pressure difference between land and sea is very high. So the pulling of air mass from sea to land is very intense. El Nino and La Nina events occur on average every 2 to 7 years. The arrival of the monsoon rain in India is the most satisfying and joyous moment for the people of India. This is more because India is an agricultural country and the economic growth of each year depends on the amount and duration of monsoon rain. Delays and long breaks in monsoon rain are dangerous for the basic occupations such as farming, fishing, and forestry. This is because chances of drought and famine increase. On the other hand, a long spell of heavy rain may damage standing crops with the increased threats of flood. The secondary sector of the economy, like the agro-based industry, also depends on monsoon, as the supply of their raw material is governed by a good spell of rain. The market will remain steady with a good monsoon year, with stable price of food products. Whereas a bad monsoon season will cause inflation, food insecurity, and public unrest. Monsoon is a unifying bond of the nature and lifestyle of India. The rivers and ponds rejuvenate with rainwater. The soil and underground water table get support to hold moisture and water, and the parched plant and animal kingdoms become lively with the monsoon shower. The green nature of monsoon-fed India has inspired poets and artists to create rich poetry and paintings that add to our rich cultural heritage. Let's recap. Monsoon is a periodic seasonal wind. It blows from sea to land in one season and reverses back in the next season. The term monsoon is derived from an Arabic word mosik, which means season. The main cause is the differential heating and cooling of land and its surrounding water bodies, that is seas and oceans. The reversal of temperature and pressure condition across the ocean is called as southern oscillation. El Nino and La Nina are the two opposite ends of the southern oscillation. El Nino is the warm phase and La Nina is the cold phase. India is an agricultural country and the economic growth of each year depends on the amount and duration of monsoon rain. Delays and long breaks in monsoon rain increase the chance of drought and famine. On the other hand, a long spell of heavy rain increases the threats of flood. Monsoon is a unifying bond of the nature and lifestyle of India. क्लियर हो गया? हाँ? कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। यस मैम। तफज़ुल अनिका हाँ कुछ समझ में आया बेटा यस मैम नेहा यस मैम ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स ठीक है कि इंडिया के अंदर जब मॉनसून्स आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं ठीक है ना अभी तक तो हमने सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ा था कि किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है या किस तरीके से ये जो विंड्स हैं ये पूरे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और यही चीज आपने वीडियो में भी देखी कि सारे उन्होंने मैकेनिज्म्स के बारे में सारी चीजों के बारे में उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था ठीक है तो अब देखो सबसे मेन रीजन क्या ही था कि सबसे मेन रीजन यही था द डिफरेंशियल इन द कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर ओके सो नाउ व्हाट हैपेंड कि जब मॉनसून्स आना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे हल्की हल्की आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल अप्रैल के महीने में ज्यादातर बहुत हल्की 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 सी बारिश होती है ना और फिर ये जो बारिश पहले एक दिन होगी तीन चार दिन नहीं होगी फिर हो जाए फिर एक हफ्ते के बाद हो जाएगी फिर नहीं होगी फिर कुछ दिन के बाद होगी और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये हल्की हल्की बारिश एकदम से तेजी पकड़ लेती है ठीक है तो जब ये एकदम से तेजी से हो जाती है और कॉन्स्टेंटली दो तीन दिन चार दिन ये बारिश डेली होती जाती है दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून
क्या कहलाता है ये? बर्स्ट ऑफ मॉनसून, BURST, बर्स्ट ऑफ मॉनसून, कि ये कहलाता है कि आपका मॉनसून जो है वो आ चुके हैं, यानी मॉनसून अब एकदम बर्स्ट हो चुका है, अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये जो है अब आपके, ये जो आपके जब स्टार्टिंग में जो हल्की हल्की बारिश होती है, बहुत होती है ना, बहुत माइल्ड माइल्ड सी बारिश होती है, दैट आर कॉल्ड एज प्री मॉनसून शावर्स। क्या कहलाते हैं ये? प्री मॉनसून शावर्स, ठीक है, कि मॉनसून्स के आने से पहले हल्की फुल्की बारिश प्री मॉनसून शावर्स कहलाती है। और जब ये प्री मॉनसून शावर्स हल्की हल्की बारिशें जब तेजी पकड़ लेती हैं, बहुत तेजी से आना शुरू कर देती हैं, और एक दिन आई, कल आ गई, दिन में दो तीन दफा आ गई, देन दैट इज कॉल्ड एज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है इसमें कि आपका, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ, उसके बाद जो है आप समझिएगा आप लोग, कि मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से आपकी जो है वो क्या आती है, सदर्न, ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आती है, नजर आ रहा है ना सबको, है ना, ये आ गया पूरा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से चली गई। अब ये जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नीचे से आती हैं साउथ, ठीक है, तो क्या होता है कि दे हिट द टिप ऑफ इंडिया एट 1st of June, ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली ही जून को ये आ जाएंगी, टेंटेटिवली 1 June तक ये जो विंड्स हैं ये नीचे से आके इंडिया के पास आ जाती है और यहाँ की टिप को हिट करके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया इतना? यस मैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, यहाँ आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। अब ये विंड्स अंडमान एंड निकोबार जाती हैं, यहाँ बारिश करती हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स में जाती हैं। अब ये और आगे बढ़ती हैं, यहाँ आपको पता है यहाँ क्या है, क्या है यहाँ, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और यहाँ है आपके ईस्टर्न घाट्स। आप याद करिए जब मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स दे आर द कंटिन्यूअस माउंटेन्स, दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स दे आर द डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स। और उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कि क्या होता है कि विंड आती है, यहाँ बादल होता है और हाइट की वजह से ये बादल इससे टकराता है और बारिश होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉट, दैट इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। जिस तरफ बारिश होती है वो हिस्सा कहलाता है विंडवर्ड साइड, और जिस तरफ बारिश नहीं होती वो हिस्सा कहलाता है लीवर्ड साइड। तो कहा जाता है कि बाय 10th of June ये जो आपका ये जो ब्रांच है ये कहलाता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच। क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच। और जो बे ऑफ बंगाल चली गई वो कहलाती है साउथ ईस्ट मॉनसून ब्रांच, ठीक है। ये साउथ ईस्ट मॉनसून की ब्रांच हो गई, यानी इंडिया के सदर्न ईस्टर्न हिस्से में ये मॉनसून लेकर आएंगे, और ये वेस्टर्न ब्रांच है जो इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में जो है वो पूरे मॉनसून लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये आगे बढ़ती है, यहाँ पे मुंबई है, 10 जून तक ये महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है। अब यहाँ इन विंड्स को क्या मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। अब ये विंड्स जो है वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, और वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, तो टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे खूब तेज से बारिश होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बारिशों के टाइम में कितना ज्यादा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो इस तरफ जो वेस्टर्न घाट्स के इधर वाला हिस्सा है, आपने देखा ना कितने कितनी बाढ़ें आ जाती हैं वहां पे, हर साल आपने देखा होगा कि वहां पे ट्रैफिक पूरा बंद हो जाता है, पूरा हिस्सा जो है वो पानी में बंद हो जाता है। क्यों वहां पे इतनी बारिश होती है? बिकॉज ये जो वेस्टर्न घाट्स है, इन विंड्स को, क्योंकि ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, नीचे से इंडियन ओशन से पानी बहुत सारा लाती है और ये वेस्टर्न घाट से टकराती है और बारिश यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो जाती है, वेर इधर वाला जो हिस्सा है, जो लीवर्ड साइड है, वहां पे बहुत कम या मामूली सी बारिश होती है, जो कि है आपका लीवर्ड साइड। समझ आ गई बात?
यस यस ठीक है ना। फिर अब ये विंड्स और आगे चलेंगी और आगे चलेंगी, अब ये राजस्थान तक पहुंची, यहाँ इनको कौन सी माउंटेन रेंज मिलेगी? अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज ऐसी है ना? यस मैम। अब इनको अरावली मिली, अब अरावली आती है इस रेंज में, तो बजाय ये सीधे जाने के, ये अरावली की पोजीशन की वजह से अपनी ये विंड इस तरीके से पोजीशन चेंज कर लेती, दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, और फिर ये यहाँ से आपके वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, वेस्ट और दिल्ली में यहाँ ये पहुंच जाती हैं और धीरे 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 अपनी जो बारिशें हैं वो इन जगहों पे कर देती हैं। वेराज जो आपके अरावली हिल्स के पीछे वाला हिस्सा है, यानी ये जो आपका बीकानेर वाला रीजन हो गया, ये सारा ये डेजर्ट एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ तक बारिश पहुंच ही नहीं पाती। समझ आई बात? यस मैम। तो ये तो आपका हो गया साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांच के, ये किस तरीके से इंडिया के अंदर बारिश लेकर आती है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट मानसून की, तो आप देखिए अंडमान एंड निकोबार में इसने बारिश कर दी। अब ये आगे चली, अब अगर ये अंदर जाती तो अंदर तो ये जा ही नहीं पाएगी क्योंकि लो प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है, तो इनका डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ रहेगा, इधर की तरफ नहीं रहेगा। अगर थोड़ी बहुत चली भी गई तो यहाँ पे ये ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं कर पाती बिकॉज यहाँ की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो हो सकता है कि ये इससे ज्यादा पास ऑन भी कर जाए, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है तो ये इस तरीके से आगे मूव कर जाती है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ इनको क्या मिलते हैं, यहाँ इन विंड्स को मिलते हैं हिमालयाज। यस मैम, है ना? अब यहाँ इनको मिल गए हिमालयाज, अब हिमालयाज ये आ गए, अब ये जब आगे बढ़ी तो इनको हिमालयाज की इतनी ऊंची हाइट मिल गई कि हिमालयाज को क्रॉस ही नहीं कर पाई। फिर जैसे अरावलीज की वजह से इनका डायरेक्शन ऐसे मूव हो गया, अब हिमालयाज की वजह से इनका डायरेक्शन इस तरीके से मूव कर जाता। समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है ना, अब जब इस तरीके से मूव हो गया तो आपने देखा होगा असम में, है ना, और इसके अलावा मेघालय में कितनी बारिश होती है, हर गर्मी में आपने देखा होगा आसाम के अंदर बाढ़ें जरूर आती हैं, आती हैं। जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश क्यों होती है? क्योंकि ये जो ब्रांच है ये इस तरीके से मूव कर जाती है हिमालयस की वजह से और बारिशें करती हैं और ब्रह्मपुत्र में और ज्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से असम मेघालय वगैरह में जो है वो असम में ज्यादातर जो है वो बारिश बाढ़ें आ जाती हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो होती है मेघालय में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में होती है चेरापुंजी और उधर होती है कहाँ, मेघालय में। ठीक है, इस तरीके से घूमती है। फिर ये जो है आपके बिहार हो गया, पूरा यूपी हो गया, है ना, इसके अलावा आपका दिल्ली हो गया, इन सारी जगहों पे जो ये बारिशें होती हैं वो फिर इसकी वजह से, ये कहा जाता है कि यूपी में, बिहार में या आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ज्यादा बारिशें जो होती हैं वो आपके साउथ ईस्टर्न मानसून ब्रांच की वजह से होती हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी कम हो पाती हैं। ठीक है, वो रीजन इसलिए है कि ज्यादातर ये जो विंड्स है ना ये अपना मॉइस्चर वेस्टर्न घाट्स में ही, यानी वेस्टर्न वाले कोस्ट पे ही अपना मॉइस्चर छोड़ देती हैं क्योंकि बारिशें यहाँ बहुत ज्यादा करती हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा समुद्र को क्रॉस करके आती है, सिर्फ इन्हीं जगहों पे बारिश कर पाती है, इसीलिए ज्यादातर इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होती है वो आपके साउथ ईस्ट मानसून ब्रांच की वजह से होती है। क्लियर हो गई बात? यस मैम। यस मैम, आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे आपने वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे ये विंड्स आती हैं जिस डायरेक्शन में, वैसे वैसे ही ये उसी डायरेक्शन से ये वापस भी चली जाती हैं। बताया था, याद होगा? yes, ma'am. अगर अभी यस मैम है ना, कि आपने देखा
कि ये सारी विंड जो है इस डायरेक्शन में आ रही हैं, है ना, ये भी ऐसी आ रही है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ITCZ पूरा फैला हुआ है ना, कल मैंने आपको डायग्राम बताया था। फिर जब धीरे धीरे ये आपके रहती हैं, कौन सा, जून, जुलाई, अगस्त, इस महीनों तक ये विंड्स इंडिया के अंदर रहती हैं। फिर धीरे 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 सन का जो पोजीशन है वो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ से इक्वेटर की तरफ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चला जाता है। तो जैसे जैसे सन का डायरेक्शन हटता जाता है, हम जो है पहुंच जाते हैं सेप्टेम्बर, अक्टूबर, इन दो महीनों तक। तो जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है, सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से झुकना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे वो वापस जाता है, वैसे वैसे आपकी ITCZ सुकड़ना, यानी क्या होती है, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, वहां पे फिर धीरे धीरे जो लो प्रेशर था वो हटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ठंडक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, अक्टूबर के महीने में दिन में गर्मी रहती है, सुबह शाम की ठंड रहती है, रहती है कि नहीं रहती है? Yes, रहती है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ITCZ जो है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे गर्म लेयर हटना शुरू हो जाती है, वहां धीरे धीरे ठंडक आना शुरू हो जाती है। तो इसी डायरेक्शन से क्या होता है कि ये विंड जो है ये इस तरीके से इंडिया से वापस होना शुरू हो जाती है, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर ये सारी विंड जो है इंडिया से वापस चली जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes. Okay. Yes. ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पहले बारिश कहाँ होती है इंडिया में, तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये दो आइलैंड्स ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले बारिश होती है, क्योंकि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सीधी जो है वो यहाँ पे भी पहुंचना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जो है ये फिर दो ब्रांचेस में ये डिवाइड होती है। ठीक है, ठीक है, yes, ma'am. है ना? और जैसे जैसे ये दिसंबर तक आते आते ये पूरी लेयर इंडिया से हट जाती है, और जैसे जैसे ये लेयर हट जाती है, आपको पता है इस लेयर के हटने से ही दिसंबर, जनवरी ऐसे महीने कि जो इंडिया जो है वो पूरे विंटर सीजन के कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी हट जाती है, सन जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ मूव हो जाता है, और ये इसका इंडिया का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये वो टाइम है कि जब पूरी लेयर हट गई, विंड्स चली गई, और इंडिया के अंदर पूरे टाइम जो है वो आपके विंटर्स जो है वो रहेंगे। समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? कल मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे, वो कर लिए आप सब लोगों ने? यस मैम, कर लिए। इकरा ने तो कर लिए।